ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और अपने संकल्प को बचाओ, कैसे भी विपरीत परिस्थिति में पॉजिटिव बनने की जरूरत है, नहीं तो निगेटिव, जैसे बता ना, निगेटिव सोचेंगे तो क्या होता है, वर्तमान समय पॉजिटिव बनो। जितना पॉजिटिव अपने आप को मजबूत बनाएंगे, उतना इस प्रकार के वायरस, कई प्रकार की बीमारी, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अपने आप को पॉजिटिव बनाओ, मजबूत बनाओ। यहां पत्थर बनो तो वहां सत्युग में मूर्ति, द्वापर कलयुग में आपकी मूर्ति बनेगी। पत्थर बनने की जरूरत है, जीते जी मरने की जरूरत है, अशरीरी बनने की जरूरत है। कितनी भी परिस्थिति आई, सहनशील बनो, लेकिन उसके लिए कर्मों का ज्ञान चाहिए। कई को रो रो करके, आज भी बाबा ने कहा कि प्रतिज्ञा करो, हम कभी भी रोएंगे नहीं। रोएंगे मतलब आंखों की रास की बात नहीं, मन में विचार आना, ये भी रोना है, ये मेरे साथ क्यों करता है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये क्या हो गया, रोना हो गया। और जिन रोया रोया तिन खोया। इसलिए कभी भी हमें कोई परिस्थिति में रोना, ये परिस्थितियां हमारे ही कर्मों का क्या है, परिणाम है। चाहे कोई पति तंग करता है, कोई पड़ोसी तंग करता है, ये सब हमारे ही कर्मों का परिणाम है। कोई किसी का दोष नहीं है, दोष है तो हमारे खुद के कर्मों का। नहीं तो कई कहते हम ओम शांति में जाते, लोग भी कहेंगे अरे ये तो ओम शांति में जाते हैं, इनको तो भगवान पढ़ाता है, तो भी इनके घर में प्रॉब्लम है, ओम शांति में कब से आ रहे हैं। इसी साल से आ रहे हैं, 5-6 साल से आ रहे हैं, पिछले जन्म में थे ओम शांति में। अगर ओम शांति में आने के बाद भी कोई प्रॉब्लम है, ये मेरे पिछले जन्मों का हिसाब है। इसलिए निश्चय को कभी भी डगमग होने नहीं देना है। उसके भी एक, मैं उसी दिन घटना सुनाई थी, एक दो व्यक्ति कहीं जा रहे थे, तो चलते चलते एक बेईमानी करता था, दूसरा ईमानदार था। तो बेईमानी वालों को एक पैसे का पॉकेट मिल गया, तो ईमानदार बोलता है यार किसी का गिर गया होगा, आप दे दो। वो कहता है कि मैंने सोचा आधा हिस्सा तुमको ही दूं, लेकिन तुम बहुत ईमानदार हो, तुम्हें नहीं दूंगा, जाओ। आगे गए, जो ईमानदार था उसके पाँव में दो कांटे चुभ गए। कांटे को किसको चुभना चाहिए था, बेईमान हो, लेकिन चुभा किसको? ये दृश्य ऊपर से ब्रह्मा विष्णु शंकर देख रहे थे, उनको तो बड़ा बुरा लगा। उनको लगता है भगवान के संसार में नीचे अन्याय हो रहे हैं, तो जिसने दुनिया रची उनके पास गए, शिव जी के पास। कहते शिव जी आपके संसार में नीचे अन्याय हो रहे हैं। शिव जी ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने नीचे लोगों को समझा के भेजा है, तुम अच्छे कर्म करोगे फल अच्छा मिलेगा। युग कोई भी हो, सतयुग त्रेता द्वापर कोई भी हो, कर्म अच्छा करेंगे फल अच्छा मिलेगा। नहीं नहीं अभी हमने देख के आए, एक बेईमानी करता था उसको पैसा मिल गया, और ईमानदार को कांटा चुभ गया। भगवान ने कहा ये हो ही नहीं सकता, चलो मैं आपको दिखाता हूं। तो वो दो व्यक्ति के पिछले जन्म दिखाए, जो व्यक्ति बेईमानी करता था पिछले जन्म ही ईमानदार था, इतना ईमानदार, इतना ईमानदार, उसको बहुत बड़ा गिफ्ट प्राइज मिलने वाली थी। लेकिन जब वो ईमानदार था, लोगों ने उसको तंग किया, परेशान किया, उसको लगता मैं इतना ईमानदार था तो भी मुझे तंग किया, मैं अगले जन्म में कभी भी ईमानदारी नहीं करूँगा, बेईमानी का काम करूँगा। जब बेईमानी करना शुरू किया, उसका जो पिछले जन्म का जो गिफ्ट प्राइज ईमानदारी का, वो कम हो गया। कम होते होते एक बटवा जितना बाकी था, इसीलिए उसको बटवा मिला। तो बटवा कोई इसके बेईमानी का फल नहीं था, पिछले जन्मों के ईमानदारी का फल था। और जो ईमानदार था, जिसको काटे चुभे थे, वो पिछले जन्म जब दिखाया, पिछले जन्म इसने बहुत बेईमानी की, इतनी बेईमानी उसको मौत की सजा थी। लेकिन उसको लगता है मैंने बहुत बेईमानी की, अगले जन्म में अच्छा कर्म करूँगा। जब अच्छा करना शुरू करता है, उसका मौत की सजा कम होते होते दो काटे जितनी रही, इसीलिए उसको काटा चुभा। इसीलिए कहते हैं भगवान के घर में देर है, लेकिन अंधेर नहीं है। आज कई को कहते हैं नहीं भाई जी, हमारे घर के पास
इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहे हैं, भगवान उसका ही घर भर रहे हैं। जो घर भर रहे हैं पिछले अच्छे कर्मों का फल है। अब गलत काम कर रहे हैं उसका फल भी उसको मिलेगा। किसी को दूसरों को देख करके गलत काम नहीं करो। ये तो कईयों को लगता है अगर हम ईमानदार रहेंगे हम बहुत पीछे रह जाएंगे। इसीलिए कहते हैं ना भोलों का भगवान होता है, चालाक वालों का भगवान नहीं होता। इसलिए कुछ भी हो जाए मुझे कोई और देखे ना देखे भगवान मुझे हजारों आंखों से देखता है। आखिर जो सत्य रहे, ईमानदार रहे, गुणवान रहे, आखिर तो न्याय तो मिल गए ना। भगवान आकर के इस सृष्टि पर आकर के जिन्होंने इस कल्प में न्यायपूर्वक काम किया है, ईमानदार हैं, उनको चुनता है। गलत वालों को नहीं चुनता, तो न्याय तो मिल गया ना। इसीलिए कहते हैं ना भगवान के घर में न्याय है लेकिन अन्याय नहीं है। इसलिए अब हमें कभी भी गलत कर्म नहीं करना है, श्रीमद के आधार से कर्म करना है। अगर ज्ञान में चलते हुए भी ऐसी वैसी कुछ बातें आती भी हैं, ये मेरे पिछले जन्मों का हिसाब किताब। इसीलिए कर्म गति के गहराई में जाकर के जितना इस गहराई में जाएंगे उतना आप सदा अचल, अडोल, स्थिर, निर्विघ्न रहेंगे, सदा खुश रहेंगे।